नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदनी। देखिए, बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं घटित हो रही थी, इसको लेकर लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अलर्ट मोड में थे, लगातार बिहार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। और आज 20 जुलाई को सुबह 10 बजे से ही विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ RJD विधायक रणविजय साहू है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार वो लोग बिहार सरकार के जो लोग हैं बोल रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपराधिक घटनाओं को लेकर, लेकिन जरा अपने शासन काल को आप लोग याद कर लीजिए, ऐसा बिहार सरकार वाले लोग कह रहे हैं। देखिए, बिहार में पूरी तरह से अपराधियों का बोलबाला है जी। इस राज्य में डबल इंजन की सरकार में आम जनता तो छोड़ दीजिए यार, पूर्व मंत्री के पिताजी की निर्मम हत्या की जाती है और सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी है, और खाना पूर्ति के नाम माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता को ठगना चाहते हैं। आप समीक्षा बैठक करते हैं, आपके दोनों उप मुख्यमंत्री जी जो भारतीय जनता पार्टी के दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, उनको इस बैठक, इस समीक्षा बैठक से कोई लेना देना नहीं है। यह साबित करता है कहीं ना कहीं कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता बिहार में अपराध करवा रहे हैं, बिहार में अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की बुनियाद एक गरीब कमजोर की पार्टी है, आवाज़ को बुलंद करने का काम करती है, अंबेडकर साहब के विचारों पर चलने वाली यह पार्टी है। तो माननीय लालू प्रसाद यादव जो सिपाही हैं, जो कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय जनता दल और एक महागठबंधन बड़ा परिवार है। आज हम लोग सड़कों पर उतरे हैं और चेतावनी देने का काम किए हैं माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी को, NDA की सरकार को, कि आप संभल जाओ, नहीं तो 22 तारीख को जो सदन चलने वाला है मानसून सत्र, वहाँ माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में सरकार को घेरने का काम करेंगे और हल्ला बोलेंगे। आज मुख्य रूप से आप लोगों की क्या मांग रही है? जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, इसको लेकर आप लोग बोले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो मुख्य है यही बात है कि आपराधिक घटनाओं को कहीं ना कहीं लगाम देना चाहिए। देखिए, आपको 2005 की ओर ले जाना चाहते हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने क्या कहा था गला फाड़ फाड़ कर कि बिहार में जंगल राज आ गया, हम सुशासन कायम करेंगे, हम विकास को आगे लेके चलेंगे। आपने कैसा विकास किया साहब, कि पिछले 15 दिनों में 12 से ज़्यादा पुल इस बिहार में धराशाही हो गया। आज शर्मसार हो रहा है, बिहार के 14 करोड़ जनता अपमानित महसूस कर रही है, देश के तमाम लोग हम पर हंस रहे हैं। और जहाँ तक सुशासन की पोल खुल गई, आज एक दिन में लगभग 25 हत्याएँ हो रही हैं, महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं, जो गवाह है उनके घर में रात में घुस के दो दो महिलाओं की हत्या हो रही है, हमारे बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, यानी आम जन का इस राज्य में बुरा हाल है। अपराधियों का बोलवाला है, भ्रष्टाचारियों का बोलवाला है, माफियाओं का गठजोड़ है और उसके बदले सरकार चलाना चाहती है। यह बिहार की महान जनता है, सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है, बुद्धिजीवियों का यह समाज है, समाजवादी गढ़ है, जननायक की भूमि है ये। आने वाला 2025 में ऐसे बयानवीर नेताओं को जनता बेरोजगार कर देगी। कल नीतीश कुमार ने शाम के 4 बजे एक बड़ी बैठक की है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कई तमाम मुद्दों पर भी उन्होंने विचार विमर्श किया, अधिकारियों को आदेश भी दिया, निर्देश भी दिया, उसके बाद आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं CM नीतीश भी एक्शन मोड में है आपराधिक घटनाओं को लेकर। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अब थक चुके हैं, हार चुके हैं, उनकी उम्र इतनी हो चुकी है कि अब उनसे शासन व्यवस्था संभल नहीं रही है। अब पिछले 19 वर्षों का आंकड़ा आप जब देखेंगे, तब आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने हमेशा निर्देश दिया पुलिसकर्मी बचेंगे नहीं, उनको दंडित किए जाएंगे, सस्पेंड किए जाएंगे, कार्रवाई होगी, आखिर तारीख पर तारीख पड़ रहा है। ये बिहार की जनता आपसे पूछना चाह रही है कि 19 साल का वक्त मिला, डबल इंजन की सरकार है, बिहार है, केंद्र सरकार है, आखिर अपराध क्यों हो रहे हैं? आप निश्चित तौर पर सरकार में आए थे तो आपने कहा था जंगल राज, तो कैसा राज है आज? ये मंगल राज है, यहाँ महा जंगल राज है। तो जनता हर बातों का अध्ययन करती है और जनता तो समय पर ही जवाब देती है, समय 2025 नज़दीक है, निश्चित रूप से जनता जवाब देगी। एक आखिरी सवाल होगा, आप लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया, लगता है इस विरोध प्रदर्शन से बिहार सरकार पे किसी तरीके की पॉजिटिव असर देखने को मिले, क्योंकि कल बैठक हुई है उन लोगों की, आज आप लोग विरोध प्रदर्शन किए? देखिए, विपक्ष जो है सत्ता का आईना होता है जी। और लोहिया जी ने कहा था कि जब सत्ता में बैठे लोग पूरी तरह से निंद्रा में हो तो उसको नींद खोलने के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके माध्यम से,
बिहार के हजारों लाखों कार्यकर्ता आज राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के आह्वान पर, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के आह्वान पर, माननीय लालू जी के आह्वान पर आज सड़कों पर उतर के उन्होंने आगाज दिया है, असली लड़ाई हमारी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने साफ तौर पे सुना, हमने आपको बताया था कि आज जिंदी गठबंधन के जितने भी घटक दल के लोग हैं सब आज बिहार यानी कि पटना के सड़कों पर विरोध प्रदर्शन मार्च के लिए उतरे हुए। लगातार आपराधिक घटनाएं घटित हो रही है, इसको लेकर लगातार इंडी गठबंधन वाले लोग जो है वो सवाल उठा रहे हैं, सुशासन बाबू पर सवाल उठा रहे हैं, नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाजत, बने रही हमारे साथ और देखते रहिए देशवाणी। धन्यवाद।